हेलो दोस्त, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। आप लोगों को अलजेब्रा का भागा, देखिए भागा सीखने के लिए आप लोग को घात घातांक चैप्टर में दो बात, घात घातांक चैप्टर से दो बात को याद रखना बहुत नेसेसरी है। पहला नंबर में हमने बताया गुना में आप लोग क्या बताए हैं, अगर ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन रहता है तो क्या हो जाता है बाबू, ए पे पावर एम प्लस एन होता है। क्या होता है, पावर जुटता है घातांक जब समान हो तब। दूसरा नंबर में हम क्या बताएंगे अभी आप लोगों को, इसी पे ये काम होगा। दूसरा नंबर में ए पे पावर अगर एम भागा ए पे पावर अगर एन हो जाता है तब देखिए घातांक सेम है तो घात घट जाता है, एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे आज हम लोग का भागा बनेगा। देखिए भागा में क्या होता है, घातांक घटता है। तो यहाँ पे हम इससे पहले सिखाए थे, सबसे पहले कौन सी पे, डिजिट पे ध्यान देना। तो दो से दो में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और पाँच से भाग यहाँ पे घातांक घटेगा, देखिए घात घटेगा, एक्स पावर पाँच माइनस थ्री तो कितना आ जाएगा, टू एक्स पे पावर टू आ जाएगा। यही है मेरा एक्चुअल आंसर। और पहला नंबर का सवाल देखिए क्या आता है, एक्स पावर फोर अब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर टू, तो आंसर क्या आएगा हमारा, एक्स पे पावर टू आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सवाल है, आसानी से समझिए। अगर इनको आप फ्रैक्शन में लेके बनाते हैं तो ये और बिल्कुल आसान लगते हैं, ठीक है। तीन नंबर में हम बनाएंगे आप लोग एक सवाल बताएंगे, जो एक्स पे पावर अगर फोर हो भागा में टू एक्स पावर थ्री हो तब क्या हो जाता है, यहाँ पे नहीं कुछ तो वन है, वन भागा का मतलब बट्टे में ले जाएंगे तो टू हो जाएगा, और यहाँ पे इसको भिन्न में लेके हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए एक्स पावर कितना होता है फोर, और यहाँ पे एक्स पावर थ्री, एक्स पावर थ्री और यहाँ पे मान के लिए थ्री कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स पावर वन बच जाएगा, और इनको हम लिख सकते हैं वन बटे टू एक्स, ठीक है, वन बटे टू एक्स, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बटे टू। देखिए कितना सिंपल सवाल है, कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, और अच्छा से जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कीजिए।